आज हम ये देखेंगे कि के कैरेक्टर के साथ क्या कॉम्बिनेशन सही रहता है बीआर रैंक एंड सीएस रैंक के लिए, दोनों देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर फोर से। कॉम्बिनेशन नंबर फोर, दोस्तों कॉम्बिनेशन फोर आपका के कैरेक्टर में, गाइस देखो सबसे पहले के कैरेक्टर आपको ईपी और एचपी दोनों काम करता है, इसलिए आप लोग करना क्या है गाइस, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो कैरेक्टर है नंबर वन यहाँ पे के कैरेक्टर के साथ ये बीआर रैंक का है, ओके बीआर रैंक का। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पे मीसा कैटर को इक्विप करना है। देखो गाइस ये जो कैटर कॉम्बिनेशन है फुल्ली व्हीकल का है, ओके एंड ये कैटर बीआर में मैक्सिमम प्लेयर यूज करता है, मोस्ट यूज्ड में, इसलिए आप लोग मीसा कैटर को कैरी करो, मीसा से आपको कोई बंदा मार नहीं पाएगा जब आप लोग व्हीकल यूज करोगे, प्लस इससे आपका ड्राइविंग स्पीड थोड़ा तेज हो जाएगा। एंड यहां पे क्या करना है आप लोग, मीसा के साथ-साथ एक और कैटर इक्विप करना, उसका नाम है अपना नंबर 2 पैसिव एंड ये है अपना नोटोरा कैटर। दोस्तों नोटोरा कैटर भी अपना के कैटर के साथ एडजस्ट होता है, इसका कॉम्बिनेशन का नाम देखो गाइस ये क्या काम करता है, इसका स्किल देखो, ये रेसर ब्लेसिंग का स्किल है पैसिव में एंड ये काम ये करता है कि रिस्टोर करता है आपका 5 एचपी पर 2 सेकंड के बाद, हर 2 सेकंड के बाद आपको 5 एचपी मिलेगा जब आप लोग व्हीकल ड्राइव करते रहोगे नोटोरा कैटर लेके खेलोगे तो। एंड यहां पे आप लोग को नंबर 3 पैसिव चूज करना के कैरेक्टर के साथ, देखो आपको यहां पे ना थोड़ा जोन भी खेलना होगा एंड प्लस अगर आप लोग व्हीकल यूज करोगे तो एक गोली कम से कम अगर गलती से भी लग भी जाता है ना तो वहां पे आपको जल्दी से मेडिकेट हील अप कर देगा, उसका नाम है अपना मैक्सिम कैटर, ये 25% आपको फास्टर मेडिकेट मरवाता है। तो सोचो गाइस कितना तेज है हम लोग का मैक्सिम कैरेक्टर, आप मशरूम वगैरह खा रहे हो या फिर अपना वेस्ट को अपग्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इनहेलर, तो ये जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है बीआर रैंक का है जो व्हीकल बहुत यूज करना चाहता है, गेम पे भी लेके जाता हूं एंड थोड़ा कुछ नया समझाता हूं। चलो तो आज यार कॉम्बिनेशन नंबर 4 जिसमें अपना के मीशा नोटोरा एंड मैक्सिमस, यहां पे लगभग 15 मेडिकेट है मेरे पास सब बड़ा और छोटा मिला के, तो आपको क्या करना है 15 मेडिकेट होने से भी काम हो जाएगा, नहीं तो आप 20 मेडिकेट भी काम चलाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहां पे जोन में रहकर खेलना है, एक कम से कम एक व्हीकल ले लो, लाइक मॉन्स्टर ट्रक हो गया, आपका बाइक ही हो गया। उसके बाद आपके पास अगर टोकन वगैरह है तो कलेक्ट करो, नहीं तो आप एनिमी मार के भी इससे आप लोग लूट वगैरह ले सकते हो। देखो जैसे मैं यहां पे बंदा को मारा, उसके बाद इस व्हीकल से उतरा एंड बैठ भी गया वापस से, एंड यहां पे देखो मैंने फिर यहां पे एक ट्रिक यूज किया, आपने देखा गाइस इस ट्रिक को आप लोग भी यूज कर सकते हो। आपको करना है जब लास्ट जोन बचेगा ना यहां पे आपको अपना कवर लेके खेलना है आपको, ठीक है, एनिमी के पास से व्हीकल नहीं ले जाना है, आपको ऑब्जेक्ट का कवर लेना है, जैसे नॉर्मली उतर उतर के कवर लेते हैं ना गाइस, ठीक वैसे आप लोग व्हीकल का भी कवर बनवाना, ठीक है, व्हीकल से कवर बनवाना आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का। आप लोग देखो मैं इसी चीज का फायदा उठाया एंड लास्ट का जब प्लेयर बचा था तो मैं जल्दी से जाता हूं एंड उधर के इस प्लेयर को खत्म कर देता हूं। आपके पास कोई अच्छा गन होना चाहिए शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज में भी, देखो इस प्लेयर के पास कुछ भी गन वगैरह था तो मुझे पता नहीं, इसने मुझे डैमेज उतना दे नहीं पाया एंड मैंने बुया से विक्ट्री से सब कर दिया। आप लोग देखो ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए तो बेस्ट है, सोलो में आप लोग ट्राई करना मैक्सिमम ये आपका स्किल कॉम्बिनेशन सोलो के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 3, तो के कैरेक्टर के साथ ये कॉम्बिनेशन आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जो ग्रैंड मास्टर लॉबी वगैरह चलते हैं ना तो यही कॉम्बिनेशन लेके खेलता है उनमें से ये प्लेयर जब के कैरेक्टर यूज करता है। तो सबसे पहले वो लोग क्या करता है, एक ऐसा कैरेक्टर लेता है जो स्प्रिंटिंग स्पीड में काम आए क्योंकि फुल मैप है एंड थोड़ा तेज दौड़ना पड़ेगा, तो यहां पे वो लोग केली द स्विफ्ट को इक्विप करता है, प्लस ये आपको ना थोड़ा डैमेज भी देता है अगर इस स्किल में गौर करोगे तो। यहां पे अगर आपका येलो येलो जब आएगा, आपका जो क्रॉस हेयर मतलब बोलते ना कैसे फायर बटन में येलो येलो जब आएगा तो समझ लो जब आप लोग फर्स्ट बुलेट मारोगे एनिमी पे तो यहां पे 106% एक्स्ट्रा डैमेज उस पे हीट होगा, मतलब बंदा तो एक ही गोली में खत्म होने वाला है, इसलिए केली द स्विफ्ट को अपग्रेड करो, आप लोग इलाइट के लिए बना लो। यहां पे हम लोग नंबर 2 पैसिव अब लेने जा रहे हैं। अब देखो नंबर 2 पैसिव में क्या करना है, आप लोग केली तो ले लिया लेकिन नंबर 2 पैसिव अब देखो बीआर खेल रहे हो तो लिक्विटा को इक्विप करो, लिक्विटा से आपको 50 एचपी का स्लॉट मिलेगा, नॉर्मल प्लेयर 200 एचपी लेके खेलेगा लेकिन आप 250 एचपी, बस बंदा को किल करो आपका स्लॉट इंक्रीज हो जाएगा 250 में। तो ये बीआर रैंक का कॉम्बिनेशन है इसलिए हम लोग नंबर 3 पैसिव भी स्ट्रांग बनाएंगे। तो नंबर 3 पैसिव में आप लोग देखो कोई भी ऐसे कैरेक्टर यूज मत करो जो गाइस काम का ना हो, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं यहां पे अपना नायरी का स्किल, नायरिस का स्किल बहुत काम आता है जब आप लोग बीआर रैंक स्पेशली खेलते हो क्योंकि बीआर रैंक में आपको वही पता है इस बंदा लोग आपको कहीं से भी मार सकता है एंड ग्लूवाल आपका फोर भी देगा, तो यही बात है गाइस नायरी आपको
बचा भी लेगा प्लस आपका प्रोटेक्ट भी करेगा एंड आपको यहाँ पे एचपी भी इंक्रीज करवा देगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है नायरी का काम। तो यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताया ये बहुत ही बेस्ट है, इसको आप लोग ट्राई तो करना, लेकिन मैं आपको भी थोड़ा ट्राई करके दिखाता हूँ गेम में। तो चलो आ जाओ गेम पे। मेरे पास के है, केली, लिक्विटा एंड नायरी का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर 3 है। आप लोग देखो इस कैरेक्टर में अपने पास लिक्विटा कैरेक्टर है। अगर आप लोग किसी भी प्लेयर को यहाँ पे नॉक करके खत्म करते हो तो आपको मिलेगा 50 एचपी स्लॉट, प्लस अपने पास केली है। देखो हम लोग किस तरह से खेल रहे हैं। अब देखो बंदा कोई मार रहा था, मेरा ग्लूवॉल पे उसने हीट किया, मुझे एचपी मिला। यस माय फ्रेंड, कोई बंदा अगर मेरा ग्लूवॉल पे हीट करेगा, मैं खुद भी हीट करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे 40 एचपी मिल जाता है। एंड उसके साथ ही इस प्लेयर को यहाँ पे देखो हमने डायरेक्ट नॉक कर दिया, ठीक है। उसके पास यहाँ पे क्या था, दिमित्री कैरेक्टर था। देखो दिमित्री में उतना काम नहीं आ रहा, अपना के कैरेक्टर देखो कितना काम आ रहा, ईपी एंड एचपी कितना जल्दी कन्वर्ट कर रहे हैं गाइस, अपना ईपी और एचपी बहुत जल्दी कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक प्लेयर था तो उसने फिर से मेरा ग्लूवॉल पे हिट किया, तो मुझे एचपी मिला एंड प्लस अपना नायरी के ग्लूवॉल कितना ज्यादा तगड़ा है, प्लस लिक्विटा आप लोगों को पता गाइस यहाँ पे 50 एचपी का स्लॉट भी इंक्रीज करवा दिया। देखा ना गाइस, लिक्विटा ने आपको 50 एचपी का स्लॉट इंक्रीज करवाने के बाद एक चीज का नोटिस, जो सामने प्लेयर है इसको मैं मार नहीं पाता जब तक अगर ये कॉम्बिनेशन काम नहीं आता, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जो लिक्विटा एंड केली एंड नायरी कैरेक्टर, केली वगैरह सबसे बेस्ट था एंड के कैरेक्टर ने मुझे यहाँ पे बचा लिया, ईपी और एचपी बहुत जल्दी कन्वर्ट करवा दिया। तो मैं आपको बोलूंगा एक कॉम्बिनेशन बेस्ट है, श्योरली आप बीआर में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 2। दोस्तों देखो ये जो कॉम्बिनेशन नंबर 2 है ये सीएस का कॉम्बिनेशन है, ओके। तो कॉम्बिनेशन नंबर 2 अब सीएस रैंक का आ रहा है। जो भी बंदा सीएस में खेलना चाहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे एंड कैरेक्टर में क्या चूज करेंगे। आप लोग देखो यहाँ पे ये लियोन कैरेक्टर सर्वाइवल कैरेक्टर है, बहुत काम आता है, बजर बीटर नाम से आता है, ठीक है, बजर बीटर नाम से आएगा इसका स्किल कॉम्बो। एंड यहाँ पे देखो ये 60 एचपी आपको रिकवर करके देता है जैसे आप लोग सर्वाइव करते हैं कॉम्बेट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 पेसिव में हम लोग यहाँ पे लियोन को इक्विप करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप लोग खेल रहे हो सीएस रैंक तो काम आने वाला है। एंड नंबर 2 पेसिव देखो यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे नंबर 2 पेसिव। एंड ये जो कैरेक्टर है ये बहुत बंदा को पता है, क्योंकि इस कैरेक्टर से जैसे आप लोग बंदा को नॉक करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 40-50 एचपी। तो कौन सा कैरेक्टर है, जोटा कैरेक्टर, राइट गाइस, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जोटा को यहाँ पे इक्विप कर लेंगे। तो आप लोग इस कैरेक्टर के साथ जोटा भी इक्विप करना, क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा हिल टाइप का कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ पे एक कैरेक्टर सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर, यही सबसे ज्यादा मेन कैरेक्टर है, क्योंकि आपको ये कैरेक्टर काम आएगा। देखो यहाँ पे हाया तो द फायर ब्रांड है, इसको इक्विप करना, इससे काम ये होगा कि जैसे आपको थोड़ा डैमेज पड़ेगा तो आपका आर्मर पेनेट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड उस टाइम में अगर आप लोग फायर करोगे एनिमी पे तो आपको ज्यादा डैमेज देखने को मिलेगा एनिमी पे, ओके। अगर आप लोग सीएस रैंक खेल रहे हो तो मैं तो ट्राई करूंगा ये गेम पे, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं गेम स्क्रीन पे। तो चलो तो मैं गेम पे, मैं टेस्ट करूं अपना के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। एंड यहां पे ना के को हम लोग बस ईपी में रख के खेलेंगे, ओके, ईपी में, एचपी में नहीं करेंगे। वही ट्राई कर रहे हैं काम आता है कि नहीं, आपको क्या पसंद है मैं आपको वही जानना चाहता हूं आपका ओपिनियन से। तो पहला क्लिप में हम लोग अपना कैरेक्टर को यहां पे ओनली ईपी में रख के खेल रहे हैं। एंड यहां पे देखो ईपी में जब आप लोग रख के खेलते हो तो एचपी में उतना जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाता है कि नहीं गाइस, ये फैक्ट है गाइस। अगर हम लोग एचपी में रख के खेलते हैं, अपने पास ईपी होता है, ज्यादातर ईपी होता है, वो जल्दी से कन्वर्ट होता है, लाइक 10 एचपी पर सेकंड देते रहता है इस टाइप का। लेकिन ऐसे नॉर्मली खेलेंगे तो हम लोग को 3 ईपी, 2 ईपी इस टाइप का हम लोग को मिलता है अपना एचपी में, ओके, यहां पे ईपी से एचपी में। तो लास्ट का प्लेयर बचा है, इस क्लिप को हम लोग जल्दी से खत्म करते हैं, इस प्लेयर को खत्म करते हैं। एंड यहां पे देखो ये प्लेयर तो खत्म हो चुका है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे अपना ओनली एचपी में रख के खेलेंगे, ठीक है। अपने पास ईपी फुल है, आप लोग देखो मैं किस तरह से खेलता हूं। अब यहां पे देखो गाइस हम लोग को एचपी कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, प्लस आपका लियोन तो काम आएगा, ये चीज तो आप लोगों का पक्का है। एंड जोटा आपको यहां पे क्या देता है, आपको बंदा नॉक करने के बाद एचपी देता है। एंड हायातो तो फायर ब्रांड, इसको भूलना मत, ये बहुत काम का है। एंड सीएस रैंक खेल रहे हो तो ये आपको नोटिसेबल है कि हां ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ये चीज तो आप लोग पता ही चल चुका है। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देखो, फिर से देखो यहां पे लियोन चालू हो चुका है। तो लियोन ऐसे ही मैंने आपको बोला नहीं गाइस, अंधा-अंधा नहीं बोला, सीधा आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं लियोन कितना ज्यादा काम आ रहा है। आप लोग देखो यहां पे अपना बंदा भाग रहा था, इसको मैं नॉकआउट करता हूं, लास्ट का प्लेयर बचा था तो इसको भी खत्म कर देता। तो अपना कैरेक्टर जो काम करता है ये एचपी में रख के बहुत काम आता है, एचपी जब आप लोग करके खेलोगे बेस्ट है, इसलिए बोलूंगा ये कॉम्बिनेशन में ट्राई करने के लिए। बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 1। दोस्तों देखो ये जो कॉम्बिनेशन 1 देख रहे हो गाइस, इसमें आपको सबसे पहले ये जो सीएस रैंक का कॉम्बिनेशन है एंड यहां पे आप बोलोगे मिगुएल कैरेक्टर। देखो आप बहुत सारे बंदे का डाउट चल रहा है, भाई मिगुएल कैरेक्टर आपका सीएस में क्या काम आएगा, क्योंकि हम लोग तो ओरियन लेके नहीं खेलते। देखो भाई मैं आपको समझा रहा हूं, फर्स्ट राउंड में आपको मशरूम कौन देगा, मशरूम नहीं देगा ना। तो लेकिन यहां पे के
कैरेक्टर को मशरूम ही चाहिए ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप यहाँ पे मिगुएल को इक्विप कर लो, क्योंकि 40-50 ईपी लेके आप लोग खेल नहीं पाओगे। बंदा नॉक करो डायरेक्ट 200 ईपी ले जाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या लेना है आपको नंबर टू पेसी। देखो ये पुल्ली मस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस कैरेक्टर में आपको नंबर टू पेसी में यहाँ पे फॉर्ड कैरेक्टर को इक्विप करना है। दोस्तों ये जो फॉर्ड कैरेक्टर आप लोग देख रहे हो ये रिस्टोर करता है आपका एचपी जैसे आप लोगों को बंदा कोई हीट करेगा, तो यहाँ पे के कैरेक्टर के साथ ये काम आता है। कोई बंदा अगर आपको हीट करेगा जैसे आप लोग को थोड़ा सा भी गोली लगा तो मतलब समझ लो आपको 30 एचपी मिल जाएगा, ठीक है। कूल डाउन टाइम है आपका काम तो आने वाला है। एक और कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा काम आएगा एंड ये नंबर थ्री पेसिव में, इसका नाम है केली द स्विफ्ट। आप इस कैरेक्टर को इक्विप करो दोस्तों, ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना केली कैरेक्टर। जब भी आप लोग सीएस रैंक खेलोगे तब भी इसको ट्राई करना, ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए बेस्ट है। अब मैं आपको गेम में लेके चलता ना, आपको चिंता मत करो मैं आपको समझाऊंगा। चलो आ जाओ, हम लोग देख रहे हैं के मिगुएल फॉर्ड एंड केली। तो बेसिकली गाइस मैं मिगुएल इसलिए लिया था क्योंकि फर्स्ट राउंड जब आएगा तो आप लोग को यहाँ पे ना ईपी वगैरह मिलेगा, तो आप लोग को भी अच्छा लगा खेलने में थोड़ा एचपी और ईपी जनरेट करने में। लेकिन यहाँ पे देखो गाइस, अगर आपको ऐसा होता है कभी स्ट्रेटेजी बनता है कि भाई बंदा लोग आपको बहुत गंदा डैमेज दे रहा है एंड आपके पास ईपी जल्दी खत्म हो रहा है, तो आपको मिगुएल बहुत काम आता है। आप मिगुएल को कस्टमाइज भी कर सकते हो, इसके जगह दूसरा भी कैरेक्टर ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो बंदा कोई मुझे मार रहा है तो फॉर्ड यहाँ पे एक्टिव हो जा रहा है। यस माय फ्रेंड, फॉर्ड एक्टिव होके मुझे 30 एचपी दे देता है एंड अपने पास केली भी है, तो आप लोग केली भी बहुत ज्यादा काम अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग कस्टमाइज करना होगा ना, तो आप मिगुएल को हटा के किसी भी कैरेक्टर को इक्विप कर सकते हो। बाकी आपको बोलूंगा फॉर्ड एंड केली को इक्विप करने के लिए।